मैं सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगा कि चाइना और इंडिया का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में आप बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। दूसरी विकसित भारत की बात आपने की, मैं संजीव शुक्ल नौसत्ता से, और विकसित भारत की बात आपने की तो सबसे बड़ी प्रायोरिटीज आपकी उसमें क्या है। दूसरा, जब आप कहते हैं कि 2047 में हम विकसित भारत हो जाएंगे तो लोगों की महत्वाकांक्षा ये भी बढ़ती है कि हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ दें, तो क्या संभव है क्या और कब तक संभव हो सकता है? चाइना योर क्वेश्चन राइट, तो आपका सवाल था कि अभी जो मैंने कहा कि 21 अक्टूबर को जो सहमति जो बनी थी, उस सहमति इस बात पे बनी थी कि दो जगह माने देपसांग और देमचोक जो लद्दाख में सबसे माने सबसे नॉर्थ नॉर्थ में है, वहां जो पेट्रोलिंग पे जो पहले जो बाधाएं लगी थी अब उस पे सहमति बनी है, और उस जगह में 2020 की जो पेट्रोलिंग जो थी पहले, हमारी अपेक्षा है कि उसी पेट्रोलिंग की स्थिति में हम लोग वापस जाएंगे। अब आप इसमें थोड़ा इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय तो लगेगा, वो स्वाभाविक है। आप पिछले दिनों में रोज देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे कि घटना माने रिपोर्टें आ रही हैं, सूचना है कि क्या जो जो परिवर्तन जो आ रहा है, तो हम उस दिशा में जा रहे हैं। अब उसके अलावा जो मैंने कहा कि कुछ विषय और भी हैं, ये तो डिसएंगेजमेंट का विषय है, डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग का विषय, जिसका मतलब था कि हमारी सेनाएं जो है एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गई थी और इसके इसमें अपना इसका खतरा होता है, तो लोग जो है वो अपने कैंप में वापस गए हैं, और जहां पहले पेट्रोलिंग की जो स्थिति जो थी देपसांग और देमचोक में, वो अब वही स्थिति हमारी अपेक्षा है कि वो वापस आए। इसके अलावा ये अगला स्तर जो है वो डी एस्केलेशन का मतलब है कि दोनों सेनाएं काफी बड़ी मात्रा में हथियार के साथ उस क्षेत्र में आए, तो वो हम उसको कम नहीं करेंगे जब तक हमें विश्वास नहीं है कि उनके यहाँ वहां उनके यहाँ भी वो ऐसी डिसीजन। तो ये मिलजुल के बात करने से ही होगा, इस पे भी हमें सहमति बनानी होगी। तो अभी जो मैं कहूंगा, हम डिसएंगेजमेंट को इसका कंप्लीशन ये पहला चरण है, इसके बाद डीएस्केलेशन की बात करेंगे, और उसके बाद सीमा को कैसे मैनेज करें, क्योंकि पेट्रोलिंग बाद में पेट्रोलिंग होगी, इसको भी उसके उसकी अपनी प्रक्रिया होती है, अपने रूल्स होते हैं, तो कैसे पेट्रोलिंग स्थिरता के साथ पेट्रोलिंग कैसे करें, उस पर भी बात। आपका सवाल जो है टेररिज्म के बारे में, देखिए मैं मुंबई में एक किस्म से देश के लिए और मैं कहूंगा दुनिया के लिए ये काउंटर टेररिज्म का सिंबल है, यह शब्द। मैं पहले प्रश्न से शुरू करता हूं, बांग्लादेश का विषय जो है, पिछले दशक में सीमा पे परिवर्तन जरूर आया है। आपने देखा होगा कि फेंसिंग में काफ़ी प्रगति हुई है, उसके कारण जो घुसपैठिया जो पहले जो आते थे, जिस सब जिस ईज से जो आते थे, जिस संख्या से आते थे, वो बहुत कम हुआ है पहले की तुलना से। अब आप ये भी जानते हैं कि कुछ महीने पहले वहाँ राजनीतिक अस्थिरता थी, शासन बदला, उस माहौल में कुछ और वहाँ उनके सीमा पे कुछ कोशिश तो हुई थी और हमें जो है अपनी ओर से कार्रवाई करनी पड़ी। पर मैं आपको बिल्कुल ये आश्वासन दिलाता हूँ कि ये मोदी सरकार जो है, हमारे मन में इसमें कोई दुविधा नहीं है कि हम देश की सीमा पे इसकी सुरक्षा के लिए हमें जो करना है वो हम जरूर करेंगे। जहाँ जहाँ फेंसिंग की ज़रूरत है हम जरूर, अब ये हमारा हक भी है, दायित्व भी बनता है, और ये खाली बांग्लादेश की सीमा पे नहीं है। आप जानते हैं कि म्यांमार में भी आजकल अस्थिरता के कारण थोड़ा वो कुछ लोग शरण के नाम पे, मन कुछ सचमुच शरणार्थी हैं, कुछ
बहुत लोग नहीं भी हैं। तो हम लोग जो हैं वहाँ के बॉर्डर में भी अब जो पहले की ओपन बॉर्डर रेजिम जो थी उसको हमने रिव्यू किया। तो ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी जो है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी पे जो पहले की सोच जो थी कि हमें जो है, हम डेमोक्रेसी हैं, हमें बॉर्डर को ऐसे ही छोड़ना चाहिए, जो आए वो आए, ये वो ज़माना बंद हो गया, वो 14 में बंद हो गया था। और हम जो हैं बॉर्डर को वहाँ जितना हमें टाइट करना है हम ज़रूर टाइट करें, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आपका जो सवाल जो था कि ये अलग अलग राज्यों में इनकी अलग अलग नीति होती, जो आप कहते हैं सच है, और कहीं नीति भी अलग होती है, कभी कभी नियत भी अलग होती है। कि कुछ सरकारें, इसीलिए मैंने कहा कि डबल इंजन की ज़रूरत है, कि ज़मीन में किसको उतारना है, वो राज्य सरकार को उतारना है कोई प्रोजेक्ट, तो जो केंद्र सरकार जो है वो भारत, एक किस्म से भारत की इमेज, ब्रांडिंग, भारत के हित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकती है। और मोदी जी इसी पे आप देखेंगे कि वो कितना परिश्रम करते हैं, जब बाहर जाते हैं कितने इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस उनकी ओर से जो एफर्ट जो लगता है। पर जब अंत में जब कोई भी डिसीशन लेता है कि भारत में मुझे फैक्ट्री बसानी है, रोजगारी बढ़ानी है, तो वो तो केंद्र राज्य सरकार कोई स्टेट में तो आएंगे वहाँ। तो हमारी ओर से ये जो जोन्स जो हैं, ये इनकी घोषणा हो चुकी है 12 जोन्स की, तो इसमें जो है ये, क्योंकि इनके साइज लोकेशन भी अलग है, इनका साइज भी कुछ अलग है, और हर जोन की अपनी खासियत होगी कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा अनुकूल होगी, तो उसका जो फिटिंग जो होगा वो वही तय करेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स आए जो जोन को ही डेवलप करें, तो इसमें भी हम भी करेंगे, पर हम इसमें भी ओपन है कि बाहर के लोग आए। पर अंत में इसकी सक्सेस जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार पूरा, माने एक किस्म उसकी साझेदारी जो है, माने सचमुच पॉजिटिव सिंसियर इफेक्टिव पार्टनर बने। और इसीलिए, और हम जितना हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं वो देश के लिए अच्छा है, कि ये स्टेट जो है जरूर कम्पीट करेंगे। और हम भी चाहते हैं, जो हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कि अलग अलग स्टेट्स, सब राज्य सरकार एक दूसरे के साथ जो स्पर्धा जो है वो देश के हित में है, कि क्योंकि इसमें सबको एक किस्म से चांस भी मिलता है। पर मैं कहूँगा महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि ये सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है भारत में।